दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की नई टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा मुद्दत तक पहले नंबर रहने का नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, क्या है पूरा रिपोर्ट, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। राज क्रिकेट न्यूज के साथ मैं हूँ राजू लगारी। दोस्तों, आईसीसी ने बुध को नई टी20 रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें बाबर आजम बदस्तूर पहले और मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर मौजूद है। आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम ने 1030 रोज तक मुसलसल पहली पोजीशन पर रहते हुए नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इससे कबल यह रिकॉर्ड साबिक कप्तान विराट कोहली के पास था जो कि 1013 रोज तक आईसीसी की टी20 रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद थे। दोस्तों, वाजह रहे कि क्रिकेट माहरीन और फैंस कारकर्दगी के एतबार से बाबर आजम और विराट कोहली का मुकाबला करते रहते हैं। दोनों बल्लेबाजों को जदीद तर्ज की क्रिकेट का मायानाज खिलाड़ी करार दिया जाता है। बाबर आजम अब तक 74 टी20 मैचेस में 1 सेंचुरी और 26 निम्न सेंचुरियों की बदौलत 2686 रन बना चुके हैं, जबकि विराट कोहली 97 टी20 मैचेस में 30 निम्न सेंचुरियों की बदौलत 3296 रन बना चुके हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।